तो मैंने इसको बोला कि मेरा ना थोड़ा भाभी वाला लुक नहीं आ रहा, जो नई नवेली दुल्हन होती है फिर ऐसा। तो इसने बोला तुम ना भाभी टू लग रही हो। मेरा सवाल था कि भाभी टू तुमने क्यों बोला? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे आई हो? आप लोग ठीक होंगे? मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। सबसे पहले हैप्पी 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 गणेश चतुर्थी। तो आज पहली बार मैं जा रही हूँ गणेश चतुर्थी में। मैं कभी भी गई नहीं हूँ कि कैसा होता है क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता। बस अंकुश लोग का इन्विटेशन आया था तो मम्मी ने बोला चलो चलते हैं क्योंकि कभी गए नहीं है। अगर आप लोगों को पता होगा तो मेरी मम्मी ने शॉपिंग तो कर ही लिया था आज के दिन के लिए, उन्होंने सूट लिया था। मेरे पास ऑलरेडी 2-3 सूट है तो मैंने सोचा क्यों लूं। मेरे पास दो ऑप्शन है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा पहनूं। ये वाला भी मैंने रक्षाबंधन में पहना था पिछले साल, और ये वाला मैंने इस बार रक्षाबंधन में पहना था। ओ भयंकर, दोनों ही रक्षाबंधन आउटफिट है मेरे। चल कोई नहीं, तो अभी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मैं ये पहनूं कि ये पहनूं। मेरा दिल कह रहा है कभी ये कभी ये, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट चलो देखते हैं कौन सा पहनती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये आउटफिट पसंद आया कि ये। तो मैं इन दोनों का कुर्ता दिखा देती हूँ, सलवार तो सेम ही है। तो पहला है ये कुर्ता, ये बिल्कुल बेज कलर है और बहुत सुंदर है, और बैक इसका प्लेन है। दूसरा है मेरा ये सूट, ये थोड़ा सा डीप है आगे से भी और पीछे से भी, पीछे से बहुत ज़्यादा ही डीप है और बैकलेस है पूरा ही। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा ओवर हो जाएगा तो आई विल गो विद दैट। ये बहुत ज़्यादा ही डीप है, कहीं सब मुझे देख के बेहोश ना हो जाए वहाँ पे। चलते हैं फटाफट, मेकअप करके आती हूँ। मेकअप का वीडियो इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आप बोर हो जाओगे, तो इसलिए फटाफट मेकअप करके आती हूँ। तो गाइज मैंने अपना बेस भी कर लिया है, जैसे आप देख सकते हो काफी न्यूड रखा है मैंने क्योंकि ज्यादा ओवर अच्छा नहीं लगता। मैंने सोचा कि मैं लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले आपको बता दूं कि मेरे जो फेवरेट लिपस्टिक है जो मैं डेली यूज करती हूँ वो कौन सा लिपस्टिक है। तो मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे, एंड मैं यूज कर रही हूँ शेड कार्नेशन न्यूड जो कि आपको 12 आवर्स का लॉन्ग स्टे देता है विद वन स्ट्रोक। एंड ये मेरा डेली गो टू लिपस्टिक है जो कि हाईली पिगमेंटेड है। ऑल्सो ये हमारे लिप्स को बहुत ज्यादा नरिशमेंट देता है, एंड इट इज एनरिच्ड विद एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई। एंड ये बहुत ही लाइट वेट है, एंड आप इसे डेली पर्पज पे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये केमिकल फ्री है एंड सर्टिफाइड है। तो गाइज मैंने आपको सारे ही शेड लगा के दिखा दिया है, अगर आपको भी ये परचेस करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑल्सो इट्स अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, एमेजोन, पर्पल एंड नाइका, एंड आपको ये नियर बाय स्टोर में भी मिल जाएगा। अगर आपको नियर बाय स्टोर में दिखा तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट से या ऐप से परचेस करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं THAPA2024। एंड यूज करने के बाद फीडबैक देना मत भूलना क्योंकि आपके फीडबैक से ही मामा अर्थ अपने प्रोडक्ट पे और वर्क करेगा ताकि और बेहतरीन प्रोडक्ट आपके लिए ला सके। तो गाइज आजकल मैं काजल के साथ कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ, तो अभी मैं यूज करने वाली हूँ मामा अर्थ का ये काजल जो कि बहुत ही मस्त है। आपने देखा होगा मैंने लास्ट ब्लॉग में भी ये यूज किया था, तो आप लोग बोलते रहते थे कि काजल लगा लो, आईलाइनर लगा लो, तो अब मैं लगाने लग गई हूँ क्योंकि मैंने सोचा आदत डालनी पड़ेगी अब। तो इसी से मैं लाइनर लगाऊंगी ताकि मेरी आंखें और सुंदर दिखे। तो देख सकते हो आप मेरी आंखें कितनी सुंदर सी लग रही है। कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा लग रहा है। या तो मम्मी भी काजल लगाने आ रखी है। तो गाइज हम माँ बेटी रेडी हो चुके हैं, तो मैं अपनी फेवरेट घड़ी पहन रही हूँ। मुझे इसका दुपट्टा बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है क्योंकि ये क्या है? ओ माय गॉड, काला टीका भी लगा रही मम्मी तो। तो गाइज हम रेडी होके निकल चुके हैं, एंड हमारी मम्मी देखो, यहाँ देखो तो जरा, जरा होल लुक दिखा दो मम्मी, आउटफिट ऑफ द डे। ये बहुत सुंदर। तो गाइज मैं अपना गॉगल्स भूल गई थी, तो मम्मी गॉगल्स लेकर आ रही है, फिर मैं आपको पूरा होल आउटफिट दिखाती हूँ। ये देखो अपनी बेटी का चश्मा साफ करते हुए। लो
तो गाइज मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने ये बैग लिया है क्योंकि मेरे आउटफिट के साथ जा रहा है, बेज बेज कलर और थोड़ा ब्राउनिश टच, और ये गॉगल्स, मेकअप, लेट्स गो। और ये मैंने हील पहना है नीचे। मम्मी बोल रही चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, मैंने बोला अरे यार देखी जाएगी, वैसे तो हल्का ही है। अब ये नहीं पहनूंगी तो फिर छोटी छोटी लगूंगी ना हाइट में, फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना मम्मी। तो गाइज अभी यहाँ से हमने टुक टुक ले लिया है क्योंकि मैंने मम्मी को बोला मम्मी थोड़ा कम चलते हैं क्योंकि मैंने हील जो पहना है। मम्मी बोल रही पता नहीं क्यों पहन के आई है ये वो, पर मैंने बोला थोड़ी लंबी तो लगूंगी। तो गाइज ये देखो कितना बड़ा जुलूस निकल चुका है और हमें यही जाना है, तो हम थोड़ा आगे खड़े रहेंगे क्योंकि तब हम कैच कर पाएंगे। मम्मी तो पूरा मैच होके आई है, येल्लो और मैं ही अलग कलर आई। थैंक यू, बाय। अभी गणेश भगवान जी को अंदर स्थापना करेंगे हम लोग, है ना ब्रो। गणेश जी की स्थापना यहाँ पे कर रहे हैं। तो गाइस मूर्ति की स्थापना भी हो चुकी है, अभी अंकल लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो गाइस मैं बहुत थक गई थी तो अभी मैं अंकुश के घर आ गई हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ही मतलब ऐसा सर में इतना दर्द हो रहा था गर्मी के कारण। सो अभी ना मैं अपना व्लॉग लाइव कर रही थी तो उससे पहले मुझे समझ नहीं आता मैं थंबनेल क्या क्या डालू, तो यहाँ पे हमारे भाई और बहन मुझे थोड़ा सा बता रहे थे कि मैं थंबनेल क्या यूज कर सकती हूँ। मेरी पहली तीज कार्तिक हुआ व्यूज नहीं मेरी पहली तीज कार्तिक का रिएक्शन, मेरे लुक से कार्तिक का रिएक्शन, कार्तिक हुआ व्यूज। तो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे थे पर इन लोग ने, सॉरी मैंने आपको कार्तिक बोला, सॉरी ये लोग ने मेरा हेल्प करके मैंने थंबनेल डाल दिया है। दीदी शॉक तो बोल दो, शॉक्ड, शॉक दीदी, शॉक्ड। जब चलो दीदी को रोस्ट करते हो शर्म नहीं आता है। गाइस भूख बहुत लग रही है, पहले सोचा था भंडारा खाएंगे पर बहुत भीड़ हो रही, बहुत बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। झील में जो बड़ा सा मंदिर एक ही है, अगर आप लोग को भी आना है तो आप यहाँ आ सकते हो। झील में बहुत बड़ा मंदिर है रघुनाथ, तो आप वहाँ आ सकते हो। 7 दिन तक होगा ये प्रोग्राम, हर दिन अलग अलग सिंगर आएंगे। 8 से 12 बजे तक का प्रोग्राम है, भोजन भी आपको वही मिलेगा। बढ़िया आरती होती है 7 बजे। गढ़वाली जो लोग हैं, जो इनके सब्सक्राइबर है गढ़वाली, वो लोग भी आ सकते हैं क्योंकि गढ़वाली जो सिंगर है मंगलेश जंगवाल जी वो भी आ रहे हैं। वो जब आप आओगे तब आपको पता ही चल जाएगा कि कब कौन कौन आने वाला है, एंड आप सब इनवाइटेड हो तो आप सब आ सकते हो। तो गाइज हमें लेने आए हैं कार्तिक जी। तुम्हारा ड्रेस क्या है? ऑफिस। ये क्या है, फॉर्मल नहीं है आज? नहीं,
आज सैटरडे अच्छा लग रहा है, काज लगा के ना अच्छी लग रही हो, गोरी गोरी लग रही हो ना। तो गाइज अभी जस्ट मैं घर पहुंची एंड मेरा ये नायका से पार्सल भी आ गया है, तो अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। स्कैम तो नहीं हो गया क्या ये? अबे ये तो यही है। तो मुझे 2200 रुपए में ये रिसीव हुआ। मुझे लगा इसका बॉटल बहुत बड़ा होगा, 2200 दे रहे हो, थोड़ा सा बड़ा आएगा, पर गाइज देख सकते हो ये मेरे एक उंगली के बराबर है। अब मैं इसका क्या करूंगी, क्या ये मजाक, इससे अच्छा तो मैं दूसरा फाउंडेशन ले देती। गाइज मेरा मूड खराब हो गया। तो गाइज अभी हम ना मेरा रील देख रहे थे, तो कार्तिक ना मेरा रील देख रहा था, दिखाना जरा कौन सा रील देख रहे थे, ये वाला। तो मैंने इसको बोला कि मेरा ना थोड़ा भाभी वाला लुक नहीं आ रहा, जो नई नवेली दुल्हन होती है फिर ऐसा। तो ये हंस रहा था, तो इसने बोला तुम ना भाभी 2 लग रही हो। तो मैंने इसको बोला कि मैं भाभी 3 नहीं लग रही। तो मेरा सवाल था कि भाभी 2 तुमने क्यों बोला? भाभी 2 इसलिए बोला क्योंकि तुम्हारी पहली एक्स गर्लफ्रेंड होगी और मैं फिर भाभी 2, तो मुझे ऐसा लगा था। इसलिए बोला क्योंकि तुम्हारे 2 एक्स थे तो इसके बाद भाभी 3 हो गए? नहीं भाई ऐसा नहीं, मेरा मतलब भाभी 3 ये था कि जो एनिमल में भाभी 1 भाभी 2 है, तो उसके बाद मैंने बोला कि क्या मैं भाभी 3 तो नहीं लग रही। और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ था ही नहीं, इसको बोला ही नहीं आया कि क्या करना। तो मैंने इसको बोला कि तुम उसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैंने पहले नहीं बताया कि इसको मतलब मैं भाभी 3 किस बेस पे बोल रही हूँ। तो उसके बाद ये हजर आता भाभी 2, पता क्या बोल रहा था मैं, भाभी जी घर पे है ना। अच्छा ये जब मैंने एक्सप्लेन किया उसके बाद तुमने एक्सप्लेन किया, उससे पहले तो मैंने तुम्हें तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही था। बस अपने मतलब के लिए मत बोलो ठीक है। क्या मतलब के लिए, मेरा क्या मतलब है इसमें ये बताना जरा। ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब है ये बताओ। ये कुछ नहीं है, तुमने भी तो ऐसे ही बोला है भाभी 3 लग रही हूँ ना मैं भाभी 3। तो भाभी 3 मैंने इसलिए बोला क्योंकि एनिमल मूवी में भाभी 2 नहीं, मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन दे दिया था। मेरे एक्सप्लेन करने के बाद दिया था। देखो यार ये गलत बात है, तुमने सीधे काउंटर मारा था, तुमने बोला था भाभी 2 कहीं तुम अपनी एक्स तो नहीं आ रहा कि वो उसको भाभी बना और मुझे भाभी 2 बना रहे। इतनी नीच सोचनी है मेरी ठीक है, तो लेट इट बी। आजकल ये बहुत रूड हो गया, देखो गाइस कैसे बात कर रहा है, देखो मुझे कितना वो कर रहा है, ऐसे रूड रूड बात कर रहा है। प्यार व्यार सब खत्म हो गया, पहले ही था, अब बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक अप्रिशिएट भी नहीं किया कि वाओ तुम्हारा रील कितना सुंदर है। भैया ये अपनी तारीफ ना हजार बार सुनना चाहती है। मैंने आप लोगों के सामने वीडियो कॉल पे आके बताया था ना शी इज लुकिंग गॉर्जियस, एक नया वर्ड बोल दिया ना मैंने गॉर्जियस, तो ये बस वही सुनना चाहती है कि यही बोलो गॉर्जियस गॉर्जियस गॉर्जियस। ज्यादा बकवास मत किया करो ठीक है। तो गाइस कार्तिक भी चला गया है एंड अब इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो क्या करने का है, डू लाइक शेयर कमेंट ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।